हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिना एंड वेलकम टू माय चैनल हिनाज व्यू। सर्दी से होने वाले सरदर्द का घरेलू उपचार, ये वीडियो मैंने शेयर किया था दोस्तों और उसके ऊपर मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई थी और कुछ उसमें से क्वेश्चंस भी आए हैं। तो दोस्तों, आज उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। और जो कमेंट आए थे कि हमें इस घरेलू नुस्खे से बहुत ही फायदा हुआ है, तो दोस्तों आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपको ये यूजफुल रहा और उसके बाद आपने मुझे कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है उन सारे क्वेश्चंस का मैं आज आंसर दे रही हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन है और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन उसमें से ये है कि सौंठ पाउडर क्या होता है, जो मुझे कमेंट आया है उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन। कुछ लोगों को शायद नहीं पता कि सौंठ पाउडर क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सौंठ पाउडर क्या होता है और हम घर पे इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो उसका भी क्विक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी था दूसरा कि हम सौंठ पाउडर के अलावा कोई और पाउडर यूज कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, बचपन से ही मैंने जब भी मुझे सर्दी होती है, सर्दी के कारण सरदर्द होता है, तो सौंठ पाउडर ही अप्लाई किया है। बाकी कोई लेप का क्या असर होता है मैंने पर्सनली अब तक यूज नहीं किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, दूसरा मुझे क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, ये कोई भी किराने स्टोर में आराम से मिल जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको घर पे कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है उसको बनाना, तो आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर आपको डी मार्ट या कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आराम से ये सौंठ पाउडर मिल जाता है। दोस्तों, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये सौंठ पाउडर होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, जो अदरक होता है, जो हम अपने नॉर्मल खाने पीने में यूज करते हैं, जैसे अदरक वाली चाय, तो जो अदरक होता है उसको सुखा के बाद में उस जो सूख जाता है उसका जो पाउडर बनाता है उसको सौंठ पाउडर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली सौंठ पाउडर होता है, इसको इंग्लिश में ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। और मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि गुजराती में क्या बोलते हैं, तो गुजराती में इसको सूंठ पाउडर ही बोलते हैं दोस्तों। जैसे एक और क्वेश्चन मुझे आया था कि हम डायरेक्ट ही जिंजर का पेस्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट ही जिंजर का जो पेस्ट बना के उसे अप्लाई मत कीजिए, वो ज्यादा उसमें जलन होती है, स्किन ज्यादा हमें जलती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये अप्लाई डायरेक्ट जिंजर का जो पेस्ट बना के अप्लाई ना करें। दूसरा मुझे क्वेश्चन आया था कि हमें इसको कितना टाइम तक लेप जो है वो अप्लाई करके रखना है। तो दोस्तों, आपको अगर आप छुट्टी है, आपको कहीं जाना नहीं है, और तो फिर आप 2-3 घंटे के लिए सब लेप को लगा कर रख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होती है इससे, बिकॉज इसको खाना पीना नहीं है, सिर्फ लगा के रखना है, तो कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आपको कहीं जाना है, आपको हरी है, तो आप इसको एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स के लिए आप अप्लाई करके रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मुझे क्वेश्चन आए थे, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं मुझे कि इससे कोई स्किन इन्फेक्शन या पिंपल्स वगैरह तो नहीं होते हैं ये अप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों, मैं जो मेरी स्किन है, इससे मुझे कभी भी सॉल्ट पाउडर लगाने के बाद कोई भी पिंपल्स या कोई भी स्किन की तकलीफ नहीं हुई है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि सबकी जो स्किन है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो अगर आप ये लेप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए अपने हाथ पर, इस एरिया में थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। अगर आपको जलन हो रही है या आपको उसके बाद कुछ पिंपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेंसेशन हो रहा है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा माइनर, तो यहाँ पे लगाने के बाद भी वो जलता ही है। लेकिन अगर आपको 15-20 मिनट रखने, यहाँ रखने के बाद कोई तकलीफ हो रही है, तो आप इसे यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज हर एक की स्किन टाइप अलग अलग होती है। बट जनरली मैंने देखा है कि ये लेप लगाने के बाद पिंपल्स वगैरह नहीं होते, लेकिन अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज पहले आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे अब तक कमेंट में आए थे। इसके अलावा भी अगर आप
कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि कमेंट में ही आंसर करने की। अगर दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस है मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछे गए थे, अलग अलग तरीके से पूछे थे, तो मैंने इसलिए ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में कवर किए हैं। और इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ अब कि सॉल्ट पाउडर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा, और थैंक यू सो मच मेरे होम रेमेडी पे इतने सारे व्यूज और इतने सारे कमेंट्स और लाइक देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो भी यूजफुल लगे तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉर्मल अदरक ले ली है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये जो अदरक है इसकी हम ऊपर से इस तरह से स्किन निकाल लेंगे, एकदम पतली पतली हल्की हल्की स्किन निकाल लेते सॉल्ट पाउडर बनाने के लिए। सबसे पहला प्रोसेस यही है कि स्किन जो है इसकी निकाल लेंगे। दोस्तों इस यहाँ पे मैंने सारे ही अदरक की स्किन इस तरह से निकाल के रख दी है। अब जो है हमें इसके बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। दोस्तों फ़िलहाल बारिश की सीज़न चल रही है तो इसको आपको फ़ैन के नीचे ही सुखाना पड़ेगा। इसको सूखने के लिए 4 से 5 दिन आराम से लग जाएंगे। अगर धूप निकलती है तो धूप में भी आप इसको सुखा सकते हो। धूप में जो है ये 1 से 2 दिन में सूख जाती है अदरक, और जनरली इसके अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर है, वो पूरा का पूरा निकल जाने तक हमें इसको सुखानी है। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप घर में बना रहे हैं सॉल्ट पाउडर तो ये जो अदरक है वो गीला नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। दोस्तों इसे सूखने के लिए 4-5 दिन लगेंगे, बट हमने जो धूप की सीज़न में, गर्मियों की सीज़न में सॉल्ट बना के रखी थी वो कैसी दिखती है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ आपसे। बारीक बारीक जो काटी थी हमने अदरक वो इस तरह से आपको दिखती है पूरी की पूरी सूखने के बाद। तो यही रीज़न है इसको बारीक कट करने का, ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए। अच्छे से सूखने के बाद हम इसको मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर में फाइन इसका पाउडर बना देंगे, एकदम अच्छे से इसको पीसना है। तो दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे कि पीसने के बाद जो है मिक्सचर में वो इस तरह का पाउडर बन जाता है। तो दोस्तों ये जो पाउडर है इसका हम लेप बना के सर्दी और सरदर्द में अपने फॉरहेड पे अप्लाई करते हैं। इसको किस तरह से अप्लाई करना है ये वीडियो मैंने शेयर किया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।